हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गोलगप्पे, जिसके लिए मैंने ली थी 1 कटोरी सूजी और गरम तेल, रिफाइंड ऑयल लिया था मैंने 1 कड़छी। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा तेल को सूजी में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मसल लेंगे सूजी और तेल को। सूजी और तेल तेल इतना डालना है कि सूजी गीली गीली थोड़ी लगने लगे। अभी हम गर्म पानी लेंगे और गर्म पानी से इसका डो तैयार करेंगे। तो गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपका हाथ गर्म पानी को सहन कर सके, उसी हिसाब से आप पानी लेना। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सूजी का डो तैयार कर लेंगे। अभी मेरा डो तैयार हो गया है। तो डो हमने ना बहुत हार्ड रखना है ना बहुत सॉफ्ट रखना है, मीडियम सा रखना है, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी। तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया ऑयल और कपड़े से ढक के इसको 20 मिनट की रेस्ट देंगे हम। इधर मैंने गोलगप्पे के लिए ऑयल रखा हुआ था ऊपर गैस पे। तो ये मेरा डो अभी 15-20 मिनट हो गए थे रेस्ट को। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मस लूँगी, आटे को सॉफ्ट करूँगी, क्योंकि सूजी फूल के हार्ड हो जाती थोड़ी। तो इसको अच्छी तरह मस लेंगे, 8-9 मिनट लगातार मसलना है ऑयल डाल के। 2-3 चम्मच ऑयल जाएगा अभी इसी में मसलने के लिए। अच्छी तरह मसलना है 8-9 मिनट कि ये सॉफ्ट हो जाए। मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए गोलगप्पे का आटा। सूजी सूजी जो भी है, सूजी डो सूजी का गोलगप्पे बनाने के लिए। अभी इसको मैंने अच्छी तरह मसल लिया है, मेरा डो अभी रेडी है। आपको लगे थोड़ा भी अभी भी हार्ड है तो आप पानी से उसको गूंद सकते, थोड़ा सा पानी लेकर हाथ में। अभी मैंने सूजी के डो को मैंने बॉल में शिफ्ट कर दिया। अभी इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा रख दूंगी। अभी इसको फिर हम आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे गोलगप्पा बनाने से पहले। अभी मैं तेल चेक कर रही हूँ। तेल हमने पहले फुल फ्लेम पर गर्म करना, अच्छी तरह इसका धुआं निकले, तेल का पक जाए अच्छी तरीके से, उसी हिसाब का हमने तेल गर्म करना है। फिर हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, छोटी छोटी गोलियाँ लेंगे, बिल्कुल छोटा सा लेना है आपने, नींबू से भी बिल्कुल छोटा सा लेना है गोली। तो उसके हम बनाएंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे हम लंबाई में बनाएंगे, थोड़ी लंबी इसकी शेप होती है। तो मैं सभी ऐसे बना लूँगी छोटे छोटे लेके गोलियाँ। आप अपने हिसाब से रख लेना जैसे आपको पसंद है खाने को, छोटे बड़े। तो मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए थे, थोड़े पसंद आते, थोड़े आलू की फीलिंग भी बढ़ जाती है अच्छी तरीके से बड़े हों तो गोलगप्पे। तो आप जब भी गोलगप्पे बेलने हैं आपने, तो ऑयल का यूज़ मत करना। ओ सॉरी सॉरी, आटे का यूज़ मत करना। ऑयल लगा के चकले पे फिर आपने गोलगप्पा बनाना है। तो अभी मेरा ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना हमने धुएँ वाला। अभी इसमें मैं गोलगप्पे छोड़ दूँगी। पहले मैंने 4 छोड़े गोलगप्पे इसमें ऑयल में। अभी देखो मेरे गोलगप्पे ऊपर फूल के आ गए। तो आपने जब भी गोलगप्पे डालने हैं तो पहले गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर देना है, हाई फ्लेम पे आप गोलगप्पे फ्राई मत करना, नहीं तो आपके गोलगप्पे जल जाएंगे और क्रंची नहीं होएंगे, सॉफ्ट रह जाएंगे आपके गोलगप्पे। इसलिए आप मीडियम फ्लेम में ही हमेशा गोलगप्पे फ्राई करना। तभी मेरे गोलगप्पे फ्राई हो गए हैं, हम इसको बाद में ऑयल से निकाल लेंगे। अभी मैंने एक बार 4 डाले थे कढ़ाई में, वो निकाल ली मेरे, वो 4 ही फूले थे गोलगप्पे। तो बाकी भी मैं ऐसे ही बना लूँगी, बेल के एक प्लेट में रख लूँगी। आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आप गीले कपड़े से ऊपर से कवर कर देना, तो नहीं तो वैसे भी 1 मिनट में बन जाते हैं 5 गोलगप्पे फ्राई होने के लिए। ज़्यादा बना के रखने तो आप ऊपर गीला कपड़ा दे देना। तो अभी देख लो फिर, मेरा जो नीचे गैस का फ्लेम है मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। फुल फ्लेम पे मैं पहले गर्म कर लेती हूँ तेल को, फिर मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, गैस मीडियम फ्लेम पे है। तो फिर देखो सारे गोलगप्पे फिर फूल गए मेरे, बहुत टेस्टी और क्रंची थे, मार्केट के गोलगप्पों से भी ज़्यादा टेस्ट गोलगप्पे थे। तो आप भी ट्राई करना अपने घर में इसी तरीके से। आप ऊपर से वाइट वाइट भी थोड़े रहने देना ऊपर तेल डाल डाल के, आपकी मर्जी है। तो मैंने पर ब्राउन कलर के किए हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना फ्राई इनको।
क्रंची होते हैं, ऊपर से वाइट रहेंगे फिर भी क्रंची होएंगे, ब्राउन होएंगे तो फिर भी क्रंची हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ तीखा पानी गोलगप्पे के साथ। मैंने पुदीना, हरी मिर्च और धनिया लिया था हरा, और मिक्सी जार में डाल लिया था। जो मैंने इमली के बीज घोल के रखे हुए थे पानी में, वो पानी भी हम मिक्सर में डाल देंगे। अभी हम इसको पीस लेंगे। और इधर मेरे गोलगप्पे थे कढ़ाई में, वो निकालने लगी मैं। बहुत फूले हुए बने थे गोलगप्पे, और क्रंची और सो इतने टेस्ट थे ना, बाजार के गोलगप्पे से भी ज़्यादा टेस्ट थे। तो अभी जब मैं स्ट्रेन कर लूँगी जो मैंने पीस के रखा हुआ था मिक्सर जार में तीखा पानी बनाने के लिए, तो वो जो हमने उसमें से निकाला है वो फेंकेंगे नहीं, उसको यूज़ करेंगे आगे। धनिया और मिर्च और पुदीने का जो पेस्ट थी वो हम यूज़ करेंगे। अभी इसमें मैंने डाला था जलजीरा पाउडर, और मैंने डाला थोड़ा काला नमक। अभी डाल दूंगी वाइट नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना जैसे आपको पसंद है, गाढ़ा फीका। अभी थोड़ी सी मैं लाल मिर्च भी यूज़ करूंगी, हरी मैंने चार डाली थी, थोड़ी लाल यूज़ की, और थोड़ा टेस्ट लगता है तीखा पानी जे वाला। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी बूंदी, आप अपनी मर्ज़ी से, आपको पसंद है तो डाल लेना, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो आप। तो जी मेरा तीखा पानी रेडी है, देख के मुँह में पानी आ रहा है अभी मेरे। वही सब्र मैं बाद में कर रही हूँ, पहले हमने खा लिए हैं, बहुत टेस्ट थे। अभी मैं बनाऊंगी आलू का मसाला गोलगप्पे में भरने के लिए। आप इसमें चने, ब्लैक चने या वाइट चने डाल सकते हो, हमने नहीं डाले, हमने बस आलू से आलू ही का मसाला तैयार किया। तो आलू मैं हाथ से तोड़ लूँगी छोटे छोटे, इसमें जो वो बचा हुआ था उसका पुदीने और हरी मिर्च और धनिए का मिक्सर जो बचा हुआ था वो अभी भी मैं इसमें यूज़ कर लूँगी आलू में, वो टेस्ट आता है इसका गोलगप्पे में। तो आलू मैंने तोड़ के डाल दिए। अभी इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, छोटा छोटा कट करके रखा हुआ था। ऊपर से डालूँगी नमक वाइट, क्योंकि हमारी चटनी में भी, और चटनी बोरी सॉरी का जो पानी बनाया तीखे वाला उसमें भी नमक है, तो अपने हिसाब से डाल लेना। तो ये मैंने डाल दिया गरम मसाला। तो आज मैं हिंदी में वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड मेरे पंजाबी समझ नहीं आती उनको, जो महाराष्ट्र के फ्रेंड थे मेरे, तो इसलिए वो बोलते हैं वैसे ही करके कि आप हिंदी में बोला करो। इसलिए मैं अभी हिंदी में ये रेसिपी की वीडियो बनाई गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे सभी को पसंद है, तो इसलिए। तभी इसमें मैंने डाला था थोड़ा जलजीरा पाउडर, क्योंकि जलजीरे से थोड़ा सा खटास आ जाती है, टेस्ट आ जाता है। और ऊपर से मैंने डाल दी बूंदी, बूंदी भी बहुत अच्छी लगती है गोलगप्पों में। ये मेरी मिट्टी चटनी है जो इमली की बनाते हैं, वो है, तो वो मेरी है तीखी चटनी और आलू का मसाला और गोलगप्पे। देखो अंगूठे से ऐसे ऊपर से लगाते कैसे टूट रहा है। मैं आपको ओरिजिनल साउंड नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे बच्चे बहुत बोरे थे, हमको जल्दी दो हमको जल्दी दो, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो फिर ओरिजिनल साउंड बंद की, नहीं तो मैं आपको सुनाती कैसे टूट रहे थे ऊपर से, बहुत क्रंची थे। ये नहीं कि जो मैंने तोड़ के दिखाए आपको वही क्रंची थे, बाकी भी सारे क्रंची थे। तो अभी मैं इसमें फीलिंग भरी आलू की, ऊपर से मीठी चटनी डाली, ऊपर से डालेंगे हम वाओ तीखी तीखा पानी। मेरे मुंह से अभी भी पानी आ रहा है बात करते करते, बहुत टेस्ट बने थे सच में, मैंने तो कितने खाए पेट भर के। बाजार से तो बहुत अच्छे बने थे ना, नले अपने हाथ से बनाए, साफ़ सफाई से बनाए, तो अच्छा है ना घर में बनाने। मेहनत तो लगती है, कोई भी चीज़ बनाओ मेहनत तो लगती है। बाहर तो जे ना पैसे तो बनी बनाई खा लो, मेहनत तो लगती है, पर मेहनत का फल मीठा होता है। टेस्ट बहुत थे, बहुत अच्छे थे। तो आप सब भी खा लो, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। तो आप लोग भी खा लो, बहुत टेस्ट बने थे। अभी मैं खा के देखने लगी थी, मुझे बहुत टेस्ट लगे थे। आपको मैं आवाज़ नहीं सुना सकती, नहीं तो आपको खाने की जरूर आवाज़ सुनाती। तो चलो ठीक है जी, उम्मीद करती है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।